हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक एग्जांपल नंबर 19, 20 और 21। थ्री एग्जांपल हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपका 19 एग्जांपल है, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमें आइडेंटिटी पता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें पता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख ली, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। वो क्या होता है हमारा, इसका स्क्वायर, देन इसका स्क्वायर, देन इसका स्क्वायर, फिर आपका 2ab। जो आपकी आइडेंटिटी होती है ना, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल वैसी आइडेंटिटी है। ये हमारी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, हमारी आइडेंटिटी होती है। तो सेम यहाँ 2 टर्म का होल स्क्वायर है, यहाँ 3 टर्म है, तो यहाँ 3 टर्म का सेपरेट होल स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ 2xy है, तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो एक बार 2 के साथ ये दोनों आ जाएंगे x बार, फिर एक बार 2 के साथ ये दोनों आ जाएंगे yz, और फिर एक बार 2 के साथ ये दोनों आ जाएंगे xz या zx के दो। ठीक है, तो ये इस तरह से याद करने का तरीका है। अब अगर आप इसका लेफ्ट टू लेफ्ट कंपेयर करो, तो यहाँ पे आपका x कितना है, x यहाँ पे 3a, फिर y कितना है, तो y यहाँ पे है 4b, और z कितना है, तो z यहाँ पे आपका है 5c हो गया। तो नाउ अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी में x की जगह, y की जगह और z की जगह वैल्यू पुट कर लो। तो दिस इम्प्लाइज 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर, y स्क्वायर यानी कि 4b का होल स्क्वायर, z स्क्वायर यानी कि 5c का होल स्क्वायर, फिर 2x, तो ये हो गया 3a, y हो गया तो 4b, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट हो गया 2yz, y की जगह आपने लिखा 4b और z की जगह लिखा 5c, और लास्ट 2, फिर आपका zx है, तो 5c, z की जगह 5c और x की जगह लिख लिया 3a। नाउ उसको सॉल्व कर लो, तो ये स्क्वायर अंदर जाएगा, तो 3 के साथ भी स्क्वायर लगेगा, a के साथ भी स्क्वायर लगेगा, फिर ये स्क्वायर अंदर गया तो 4 के साथ भी स्क्वायर लगेगा, b के साथ भी स्क्वायर लगेगा, फिर ये 5 के साथ भी स्क्वायर लगेगा, c के साथ भी स्क्वायर लगेगा। नाउ नंबर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 12 हो गया, 12 × 2, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 24 हो गया, a × b, ab हो गया, फिर प्लस 5 × 4 20 × 2, तो ये आपका हो गया 40 bc, फिर 5 × 3 या 5 × 2 10 × 3, तो ये हो गया 30 ac हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में चाहे ab लिखो चाहे ba लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 3 का स्क्वायर हो गया 9, a स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया 16, b स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो गया आपका 25, c स्क्वायर, तो ये हो गया 24 ab प्लस 40 bc प्लस 30 ac। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे एक्सपांड फॉर्म। तो जब भी आपको इस तरह से आइडेंटिटी दी हो, तो ये हमारी होती है फैक्टराइज फॉर्म और ये हमारी होती है एक्सपांड फॉर्म। फैक्टराइज करना है तो इस तरह से आप ये दिया होगा और आपको ये लिखना है, तो इसको कहेंगे फैक्टराइज और स्क्वायर को हटा के इस टर्म को दो बार लिख लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20, तो जो अभी हमने 19 किया है सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बट साइन चेंज हो गए। साइन चेंज हो गए तो कैसे इसको सॉल्व करना वो देखते हैं। तो एग्जाम एक्सपांड 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर। तो क्वेश्चन इज 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो सेम आइडेंटिटी आपको फिर से लिख लेनी है, क्योंकि हमने अलग अलग साइन के लिए अलग अलग आइडेंटिटी नहीं याद की, हमने एक ही आइडेंटिटी याद की है, वो है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो सेम आइडेंटिटी हो गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो गई। एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों, फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये साइकिल की तरह घूमते हैं इस तरह से, एक्स वाई जेड, एक बार ये दोनों आएंगे, एक बार ये दोनों आएंगे, एक बार ये दोनों आएंगे इस तरह से। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो, क्योंकि सारा हमारा प्लस प्लस है, तो हम माइनस इनको सेपरेट कर देते हैं। तो ये हमारा 4a हो गया, हमने यहाँ प्लस लगा दिया, माइनस 2b हमने इस तरह से लिख दिया, फिर प्लस माइनस 3c हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, यानी अब आपका ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब अगर हम इस लेफ्ट को इस लेफ्ट से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे x क्या है, x है आपका 4a, y कौन है, y है आपका यहाँ माइनस ऑफ 2b, और z कौन है, z यहाँ पे है आपका माइनस ऑफ 3c हो गया। सेम एक ही आइडेंटिटी रखिए, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, कभी ये नेगेटिव हो गया, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो अलग आइडेंटिटी याद कर, तो अलग अलग के लिए अलग अलग नहीं याद करनी, जो आपकी एक आइडेंटिटी वो आप याद कर लिया और उसमें माइनस इनके साथ ब्रैकेट में लेके और इस तरह से सॉल्व कर लो। तो नाउ अब हमारे यहाँ पे जो आइडेंटिटी है उसके लेफ्ट हमें x कौन है, y कौन है, z कौन है मिल गया है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 4a माइनस 2b
माइनस 3c का होल स्क्वायर, सबसे पहले x स्क्वायर तो ये हो गया 4a का होल स्क्वायर, फिर y स्क्वायर तो माइनस 2b का होल स्क्वायर, फिर z स्क्वायर तो माइनस 3c का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2x, तो x आपका यहाँ पे कौन है 4a, y y है माइनस 2b, फिर आपका यहाँ पे अगेन 2, फिर वाई जेड, वाई है आपका यहाँ माइनस 2b, जेड कौन है यहाँ माइनस 3c, फिर प्लस 2 जेड एक्स, तो जेड है आपका यहाँ माइनस 3c और x यहाँ पे है 4 है। नाउ बस इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका यहाँ हो गया 4, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को सेपरेट कर लो, 4 का स्क्वायर अलग हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ 3 टर्म है तो ये माइनस का स्क्वायर अलग आएगा, फिर 2 का स्क्वायर अलग आएगा और b का स्क्वायर अलग आएगा। तो मैं इस तरह से आपको इसलिए लिख दूँ ताकि आपको समझ में आए, सबसे ज्यादा गलती आप माइनस प्लस की करती हो, यहाँ भी माइनस है तो ये हो गया माइनस का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और ये हो गया c का स्क्वायर। अब यहाँ सिर्फ आपको सिर्फ सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 और a इंटू b ए बी हो गया, फिर माइनस माइनस, यहाँ 3 साइन है, देखो एक प्लस है एक माइनस है, दूसरा माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है ये माइनस है, तो आप देखो चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो दोनों से सॉल्व हो जाएगा, माइनस 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 मिलके हो गए प्लस, प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, या फिर इस तरह से देखो तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो ये प्लस आ गया। अब नंबर सॉल्व करो, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 बी सी हो गया, फिर अगेन प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इंटू 4 24 ए सी हो गया। ओके नाउ अब यहाँ पे इसको, ये तीन टर्म तुम्हारी सॉल्व हो गई, इन तीन टर्म को सॉल्व करना, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, और मैंने आपको कितनी बार बताया है किसी भी नेगेटिव टर्म, नेगेटिव वन या ले लो या सिर्फ नेगेटिव साइन लो, नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर नेगेटिव की पावर ऑड है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, यानी नेगेटिव की साइन कभी भी 2, 4, 6, 8 इस तरह से इवन आएगी तो वो नंबर प्लस हो जाएगा, और नेगेटिव की पावर कभी ऑड 1, 3, 5, 7 रहेगी तो वो नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ माइनस की पावर कौन है, 2 है, इवन है तो ये आपका यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो गया, तो 2 स्क्वायर 4 और ये हो गया बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है तो प्लस ही रहा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया सी स्क्वायर। ओके फिर माइनस का 16 ए बी हो गया, प्लस का 13, एक सेकेंड क्या गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ 12 आएगा, ओके सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ये 16 है, यहाँ पे 12 आएगा, तो ये आपका 16 ए बी हो गया, फिर प्लस माइनस प्लस का 12 bc हो गया और माइनस का 24 ac हो गया। तो ये भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपांड फॉर्म। ओके अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फैक्टराइज फॉर्म देखोगे, अब ये क्वेश्चन का आपको लेफ्ट साइड गिवन था, राइट साइड हमने लिखा, अब आपको राइट साइड गिवन होगा आपको लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं फैक्टराइज करना। ओके तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके और नोट डाउन कर सकते हो।